गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, होप आप सभी को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो आप कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस होमवर्क में आती है तो आप प्लीज़ मुझसे डिस्कस करिए। मेरा पर्सनल नंबर आप सभी के पास है, ग्रुप पर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और या फिर हम गूगल मीट पर जब मीटिंग लेंगे तो आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, आज हम क्लास प्लस वन का चैप्टर फर्स्ट, जो कि सेट्स हम कर रहे थे, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसकी बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दी थी। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट्स एंड इक्वल सेट्स के बारे में आप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, जिनमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं। सपोज किसी सेट में एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, तो ओनली 4 एलिमेंट्स हैं, वो काउंटेबल हैं, तो आप उसको कहेंगे फाइनाइट सेट। एंड इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉट काउंटेबल। एंड नल सेट, व्हेन देयर इज नो एलिमेंट इन द सेट, देन द सेट इज कॉल्ड नल सेट। एंड इक्वल सेट, इक्वल सेट होते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम इन द सेट ए एंड इन सेट बी, देन द सेट ए एंड बी विल बी कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो आइए स्टूडेंट्स, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बाकी मैंने आपको बेसिक इसकी बताई थी, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी यस्टरडे। देन सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट्स। नल सेट्स बताना है, मीन्स जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। कुछ पार्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो पार्ट मैं आपके लिए छोड़ूंगी तो वह आप खुद ट्राई करेंगे। फर्स्ट पार्ट है, जैसे स्टूडेंट्स, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, आपको लेने हैं ओड नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट, ओड नेचुरल नंबर्स आप सभी को मालूम है क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, ये ओड नेचुरल नंबर्स हैं। तो लेकिन आपको ये देखना है डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो ये वाला जो सेट हमने बनाया है ओड नेचुरल नंबर का, इस सेट को आप क्या कहेंगे, नल सेट। तो नल सेट का मैंने आपको साइन भी बताया था कि नल सेट के लिए आप साइन या तो ये यूज करेंगे कि सेट बिल्कुल एम्प्टी रखेंगे, उसमें कुछ भी नहीं होगा, या आप ये साइन यूज करते हैं। दोनों में से हम कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आंसर आप क्या देंगे, दिस इज ए नल सेट। देन मैं ले रही हूँ पार्ट थर्ड, x सो दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। तो देखिए स्टूडेंट, आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि 5 से तो हों लेस एंड 7 से हों ग्रेटर। तो देखिए, अगर हम नंबर लाइन देखते हैं तो नंबर लाइन में x से लेस ये सब आएंगे, ठीक है, और 7 से ग्रेटर ही होंगे, तो इनके बीच में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सेट इसमें बना ही नहीं। 5 से आपको लेने हैं लेस एंड 7 से ग्रेटर, तो ऐसे तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, देन फिर से ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे नल सेट। नेक्स्ट है, देखिए जैसे स्टूडेंट्स, आपको बताना है वाई इज द पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट। तो पैरेलल लाइंस के बीच में तो स्टूडेंट कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, टू लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो क्या होती हैं, वो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। देन ये अगेन क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, बिकॉज कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो इनमें कॉमन हो। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स आपको बताने हैं, इनमें से कौन से हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, क्या वो काउंटेबल है या नहीं है। तो अगर हम देखते हैं एक ईयर में 12 मंथ्स हैं, तो ये काउंटेबल है, काउंटेबल है मीन्स फाइनाइट है, जो भी काउंटेबल होगा उसको आप लिख देंगे फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। जैसे आपको नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, एक सेट गिवन है 1, 2, 3 अप टू, ये चलता जा रहा है, तो चलता जा रहा है, हमें नहीं मालूम कहाँ तक ये जाएगा, कहाँ तक इसकी काउंटिंग है, नॉट काउंटेबल, देन दिस इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट है इनफाइनाइट सेट। तो चलिए अब आगे आते हैं हम
नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताना है पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो ग्रेटर देन 100 फिर से पॉजिटिव इंटीजर्स इनफाइनाइट होंगे, कोई भी काउंटिंग इनकी नहीं है, कोई भी काउंटिंग नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट देखिए, फिर से थर्ड क्वेश्चन हम स्टार्ट करें। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको बताना है इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट। देखिए फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, इन्होंने आपको बोला एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए जैसे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके आप कितनी भी कहाँ तक भी हम दूर तक लेके जा सकते हैं, अपर पोर्शन में भी ले सकते हैं और नीचे भी ले सकते हैं, तो काफ़ी सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी काउंटिंग नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब सेट ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कितने हैं इस अर्थ पर, तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं ये काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं। जैसे कुछ इंडिया में मिलते हैं हमें, कुछ और कंट्रीज में मिलते हैं, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, कनाडा में है, तो वो सारे मिलाकर हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर साइंटिस्ट काउंट कर सकते हैं देन दिस इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट, अदरवाइज इट विल बी एन इनफाइनाइट सेट। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूजन भी होती है कि काउंट नहीं भी कर सकते, तो दोनों टाइप की बातें हैं कि अगर आपको ये लगता है कि वो काउंटेबल हैं तो हम क्या लिखेंगे, लिविंग एनिमल। लिविंग तो हमारे बहुत सारे हैं वैसे, लेकिन फिर भी काउंटेबल हैं स्टूडेंट, ये साइंटिस्ट ने लगभग इनकी, अगर आप देखते हैं गूगल पे हम सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ इनकी बताई हुई है, जो क्वांटिटी है या संख्या है बताई हुई है कि कितने लिविंग एनिमल्स लगभग हैं, देन दिस इज कॉल्ड एन फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है देखिए, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजन। ओरिजन से पास हो, देखिए जैसे मैंने ऊपर ये डायग्राम ड्रॉ किया है, ओरिजन ये है जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, देन दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एन ओरिजन। तो देखिए ओरिजन से सर्कल आप कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं या इससे कितने भी सर्कल पास होके जा सकते हैं, छोटे बड़े, देन दिस इज एन इनफाइनाइट सेट। होप आपको सब क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही ईजी है वैसे इनफाइनाइट फाइनाइट। अभी तक हमने मेन यही किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में नल सेट किया था। एंड जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम इक्वल सेट्स और नॉट इक्वल सेट्स ये करेंगे कि क्या ये दोनों सेट्स इक्वल हैं या नहीं हैं। देखिए जैसे अब इन्होंने ये दिया है सेट ए, इसमें जो एलिमेंट हैं ए बी सी डी, एंड बी सेट है, देखिए इसमें भी सेम है, बस इनका ऑर्डर चेंज कर दिया गया है डी सी बी ए, लेकिन एलिमेंट्स तो सेम हैं और इक्वल भी हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, इसमें भी 4 एलिमेंट हैं, देन दिस सेट दीज सेट्स विल बी इक्वल, ये इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखिए जैसे सेकंड पार्ट है, इसमें आपको इन्होंने दिए हैं इवन पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 4, 6, 8, 10 तक दिए हैं या 10 के इक्वल दिए हैं। और नेक्स्ट जो इन्होंने एक और सेट बी दिया है वो देखिए, वो इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सर दैट एक्स इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10। पॉजिटिव लेना है, इवन इंटीजर लेना है, 10 से लेस भी हो सकता है एंड उसके इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट यही का यही आएगा, सेम ही है, इवन लेना है ना, इवन में क्या होगा, यही लेते हैं हम 2, 4, 6, 8, 10 और 10 के इक्वल एंड लेस ही लेने हैं, तो ये भी सेट्स हो जाएंगे इक्वल, दोनों सेट्स इक्वल हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, ये देखिए इन्होंने फिर से एक सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है एंड एक आपकी दी है रोस्टर मेथड। तो इसमें ए सेट में इन्होंने लिखा है एक्स दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो 10 के मल्टीपल्स अगर हम ध्यान देते हैं, 10 की जो टेबल है 10, 20, 30, 40 ये सब होते हैं। अब इन्होंने नेक्स्ट सेट जो बी दिया है इसमें दिए हैं 10, 15, 20, 25, 30। तो क्या ये दोनों सेट्स इक्वल होने चाहिए? मल्टीपल ऑफ 10 में तो हमने देखा 10, 20, 30 इस टाइप से एलिमेंट्स आए हैं, बट बी सेट में 15 भी है, 25 भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों सेट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फिर से बच्चों यही बताना है आपको कि इक्वल सेट्स होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए जैसे ए सेट में इन्होंने एलिमेंट्स दिए हैं 2 एंड 3, अब बी सेट में इन्होंने फिर से
एक आपको इक्वेशन दी है वो सॉल्व करनी है। इक्वेशन आप फैक्टर्स किया करते थे, फैक्टर्स हम करते आ रहे हैं, नाइन्थ में टेंथ में हमने किए हैं। देखिए ये जो इक्वेशन दी है इसके फैक्टर्स अगर आप देखेंगे, x प्लस टू एंड x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, देन l वैल्यू ऑफ x विल बी x इक्वल टू माइनस टू एंड x इक्वल टू माइनस थ्री, एंड द सेट ए इसमें जो एलिमेंट हैं वो हैं टू एंड थ्री, एंड सेट बी में जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे माइनस टू एंड माइनस थ्री। अगर आप सॉल्व करते हैं देन फिर से ये क्या हो जाएंगे, नॉट इक्वल। तो इनको आप लिख देंगे दीज सेट्स विल बी नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में अब आपके पास एक वर्ड है फोलो, तो फोलो में अगर हम देखते हैं कौन कौन से लेटर्स आते हैं, लेटर्स लेने हैं। एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फोलो, F O, रिपीट वाला आपने नहीं लेना, एंड W, F O आ गया, L सॉरी मैं लिखना भूल गई हूँ, L आएगा एंड W आएगा। तो इसमें जो आएंगे ये वाले लेटर्स आएंगे, एंड सेट B, जो B सेट है इसमें आपको एक वर्ड दिया है वोल्फ, वोल्फ के आपको लेटर लेने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, W O L F। तो देखिए स्टूडेंट ये सेम है, W भी है, O भी है, L भी है, F भी है, तो सिर्फ आपको लेटर्स देखने हैं, पूरा वर्ड नहीं देखना सेम है या नहीं है। तो इसमें जो लेटर्स हैं, इसमें जो लेटर्स हैं, सेम सेम ही यूज हुए हैं, फोर लेटर्स सेट A में एंड फोर लेटर्स सेट B में, देन दीज सेट्स विल बी इक्वल, A इज इक्वल टू B। नेक्स्ट देखिए सिक्स क्वेश्चन है आपको, इनमें से मैंने कुछ सेट्स लिखे हुए हैं A टू H तक, A B C D E F G H, तो आपको इनमें से इक्वल सेट्स चूज करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स आप A से स्टार्टिंग करेंगे कि A सेट किसके इक्वल है, जैसे 2 4 8 12 एलिमेंट्स हैं, B के इक्वल नहीं है, इसमें C के इक्वल भी नहीं है, D के भी नहीं है, E के भी नहीं है, F G H के किसी के भी इक्वल नहीं है। देन देखिए कौन सा B देखते हैं, B किसके इक्वल होगा, A तो किसी के भी इक्वल नहीं है, तो B अगर हम देखते हैं 1 2 3 4, अगर ध्यान दें D में भी क्या है, ये 1 2 3 4 ही हैं, तो एक तो हमें मिल गया है B इज इक्वल टू D। अब C देखते हैं, C किसी के इक्वल है, 4 8 12 14 ये किसी में भी नहीं है, तो C किसी के इक्वल नहीं है, D हमने ऑलरेडी लिख दिया है B के इक्वल है, एंड E, E में जो एलिमेंट्स हैं माइनस 1 1 तो ये एलिमेंट हैं G में, देन E इज इक्वल टू G, ये इक्वल हो गए। F 0 एंड A किसी में भी नहीं है तो इक्वल नहीं है, G हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, H में 0 1 ये किसी के इक्वल नहीं है। तो ये आपको इक्वल सेट्स बताने थे। तो स्टूडेंट होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी थी, फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आज के लिए इतना ही हम करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।